गोविंद तुम्हारे चरणों में
एक दर्श भिखारी आया है गोविंद मेरे हाथों में जल का लोटा है मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ मेरे हाथों में जल का लोटा है मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ मेरे हाथों में जल का लोटा है मैं तुम्हें नहलाने प्रेम से ना हो मनमोहन मैं तुम्हें नहलाने आया बड़े प्रेम से ना हो मनमोहन मैं तुम्हें नहलाने आया बड़े प्रेम से ना हो मनमोहन मैं तुम्हें नहलाने आया बड़े प्रेम से रहो मनमोहन मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी वस्त्र है मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ मेरे हाथ मेरे शम वस्त्र है मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ मेरे हाथ मेरे शम वस्त्र है मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ मेरे हाथ मेरे शम वस्त्र है मैं तुम्हें पहनाने आया बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है गोविंद तुम्हारे प्रेम पुजारी मेरे हाथों में केसर चंदन है मैं तिलक लगाने आया हूँ मेरे हाथों में केसर चंदन है मैं तिलक लगाने आया हूँ मेरे हाथों में केसर चंदन है मैं तिलक लगाने आया मेरे हाथ में केसर चंदन है मैं तिलक लगाने आया बड़े प्रेम से लगवाओ मोहन मैं तिलक लगाने आया हूँ बड़े प्रेम से लगवाओ लगाने आया हूँ बड़े प्रेम से लगवाओ मोहन मैं तिलक लगाने आया हूँ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है गोविंद तुम्हारे
पुजारी आया है। मेरे हाथों में फूलों का गजरा, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। मेरे हाथों में फूलों का गजरा, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। मेरे हाथों में फूलों का गजरा, मैं तुम्हें पहराने आया हूँ। मेरे हाथों में फूलों का गजरा, मैं बड़े प्रेम से पैरो मन मोहन में तुम्हें पहराने आया हूँ। बड़े प्रेम से पैरो मन मोहन में तुम्हें पहराने आया हूँ। बड़े प्रेम से पैरो मन मोहन में तुम्हें पहराने आया हूँ। बड़े प्रेम से ओ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। ओ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में माखन मिष्टी है, मैं भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आया। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं प्रेम से जी मो मन मोहन में तुम्हें जी माने आया हूँ। बड़े प्रेम से जी मो मन मोहन में तुम्हें जी माने आया हूँ। बड़े प्रेम से जी मो मन मोहन में तुम्हें जी माने आया हूँ। बड़े प्रेम से जी ओ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। ओ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। ओ मेरे हाथों में सोने की झारी, मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में सोने की झारी, मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में सोने की झारी, मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो मन मोहन में तुम्हें पिलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पियो मन मोहन में तुम्हें पिलाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे घंटा है, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथों में झालर घंटा है, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथों में झालर घंटा है, मैं आरती करने आया हूँ। प्रेम से आरती करने
वेदों में आरती करने आया हूँ। गर प्रेम से आरती कर देंगे, आरती करने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में धूप और दीपक है, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथों में धूप और दीपक है, मैं आरती करने आया हूँ। बड़े प्रेम से आरती करने दो, मैं आरती करने आया हूँ। बड़े प्रेम से आरती करने दो, आरती करने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये लोग भजन गा रहे थे गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया। आप लोग कभी जयपुर गए? कौन कौन गया जयपुर? हाँ देखा कभी? और एक बार की बात, गोविंद जी के मंदिर में पहले बहुत ऊंचा था, अभी आप वृंदावन जाओगे और गोविंद जी का मंदिर एक मंजिल रह गया। ऐसे इतना ऊंचा था कि उसकी जब आरती होती तो उसने एक रोशनी देखी और उसने व्रत को खोल लिया। थोड़ी देर के बाद मंत्री आए, बोलते महाराज चांद निकल आया, व्रत खोल लो। बोलते वो तो मैं खोल चुका। बोलते लेकिन चांद तो अब निकला। बोलते तो वो रोशनी क्या थी? तो बताया ये तो गोविंद जी मंदिर की आरती होती है उसकी रोशनी होती है। उसको इतना गुस्सा आया, उसने अपने सारे सैनिक भेजकर कि वृंदावन के सारे मंदिर तोड़ दो, ये सूचना जारी कर दी। वृंदावन के सारे मंदिर तोड़ने लग गए और रात ही रात में पुजारियों ने जितने भी वहां पर ठाकुर जी थे, भगवान जी, उन सबको लेकर वहीं गोवर्धन के रास्ते से काम्यवन राजस्थान से जयपुर ले गए रात रात में।
कि मंदिर टूट जाएगा लेकिन भगवान जी को बचाएंगे। इसलिए ये गोविंद जी पहले वृंदावन में थे, उसके बाद ये जयपुर में आ गए। जब जयपुर में आए तो राजा मान सिंह, बड़े धार्मिक राजा, उन्होंने कहा हमारे महल के साथ में ही गोविंद जी का मंदिर हो, हम उनका दर्शन करने आएंगे। तो वहीं पर गोविंद जी को स्थापित किया गया और राजा रानी दोनों ही ठाकुर जी का दर्शन करने आए। रानी ने देखा इतने सुंदर भगवान, रात को सोने से पहले रानी विचार करने लगी, गोविंद आप इतने सुंदर हो, अगर आपकी नाक में छेद होता ना तो मेरे हीरे की जो नथ है वो मैं आपके नाक में लगा देती, हीरे की जो मैं पहनती हूँ। और रात को गोविंद जी सपने में आ गए, बोलते रानी जब मैं छोटा सा था ना मेरी माँ यशोदा ने मेरे नाक में छेद किया था, वो अभी भी है, तू आकर देख ले। अगले दिन रानी दौड़ी दौड़ी गई तो सच में देखा निकट जाकर नाक में छेद है, और अपने हीरो की वो नतनी गोविंद जी को अर्पण की। हम कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, सोते नहीं, लेकिन वो सब कुछ करते हैं। ऐसे इतने उदाहरण हैं, कितने बताऊं। एक तो ये भी देखो, उस रानी को कुछ देने की इच्छा थी और गोविंद जी ने स्वयं स्वप्न में आकर उससे मांग लिया। भगवान किससे मांगते हैं? ऐरे गैरे से नहीं मांगते, जिसका प्रेम होता है उससे मांगा जाता है। भगवान की तो बात छोड़ो, हम आपस में ही ऐसे ही होता है। आपको अगर कुछ चाहिए किसी से मांग सकते हो, वहां पर लज्जा लगती है, संकोच होता है, लेकिन जिसके साथ संबंध हो उसको कह दिया जाता है ये भैया हमारे लिए पानी ले आना, अच्छा हमारे लिए कल एक पैंट ले आना, एक कोट ले आना। जिसके साथ हक होता है, अधिकार होता है, उसको बोलने में कोई संकोच नहीं होता। इसलिए गोविंद जी ने रानी को अपना हक समझकर कि तेरे को देने की इच्छा है तो फिर आ जा और ये अपने हीरो की नतनी मुझको दे दे। ये एक उदाहरण। और एक उदाहरण बताता हूं, कभी मेरे साथ आप सब लोग जगन्नाथपुरी चलना, हमारा वहां पर आश्रम है बिल्कुल समुद्र के पास, बीच पर, सामने खिड़की खोलो सामने समुद्र दिखता है। तो जगन्नाथपुरी मेरे साथ जाओगे तो वहां जो सुंदर सुंदर वहां पर जो लीलाएं हुई हैं, भगवान का जो स्थान है, उसका दर्शन मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि आप ऐसे जाएंगे आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। हमारे साथ जाओगे तो हम सारी डिटेल बताएंगे, वहां पर रहने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बस एक बार चलने की तैयारी कर लो। पूरा अग्रवाल समाज, नवीन जैन जी को साथ ले लेंगे, पूरा अग्रवाल समाज जगन्नाथपुरी चल लेंगे, ठीक है। जगन्नाथपुरी में एक ऐसे कृष्ण का विग्रह है, मूर्ति है, जो पूरे संसार में एक ही ऐसा है जहां पर भगवान बैठकर वंशी बजा रहे हैं। आप पूरे संसार में कहीं पर भी जाओ, मैं तो अमेरिका यूरोप हर मंदिरों में जाकर देखता हूं, वहां भी हिंदू मंदिर है, वहां पर हर जगह क्या देखते हैं, भगवान खड़े होते हैं ना ऐसे। लेकिन पूरे संसार में एक ही ऐसा मंदिर है जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जहां पर भगवान बैठे हुए हैं ऐसे आलती पालती, जैसे आप लोग बैठे हैं ना क्रॉस लेग्स आलती पालती मार के, ऐसे भगवान बैठे हैं। अब आप कहोगे किसी ने बनाई ऐसे होंगे, नहीं, ये पहले खड़े थे बाद में बैठ गए। इनकी जो सेवा करते थे उनका नाम था गदाधर, बड़े प्रेम से इनकी सेवा करते थे, लेकिन दिन रात भगवान का स्मरण करते 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 याद करते करते ये दिन रात रोते,
और जो व्यक्ति कोई दुखी होता है ना, दुखी मतलब संसारिक दुखी नहीं, भगवान के दुख में भी तो हंसना ही होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं बार बार, सारा रोना एक जैसा नहीं होता और सारे आंसू एक जैसी बात नहीं बोलते। कोई अगर रोए तो ये कहा जाता है ना, तो दुखी होगा तभी रो रहा है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप लोग फ्लाइट में जाते हो ना, एयरपोर्ट जाते हो ना, आपको आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए 10 साल के लिए आपको छोड़कर जा रहा है, कनाडा जा रहा है, आप उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाओगे, अब वो 10 साल से पहले आ नहीं सकता है ना। कोई आपका बच्चा, बेटी, बेटा, कोई भी ये देखकर कि अब 10 साल के बाद जाएगा, अब इसको छूने को नहीं मिलेगा, फोन पे बात तो हो जाएगी, जब वो जाएगा आपको कैसा लगेगा, मन भर आएगा ना। और एक बार आकर कहेगा माँ एक बार बस गले लग जा, अपने आंसू को रोक पाओगे? मैं तो कितना देखता हूँ, हर महीने तो मैं ट्रैवल करता हूँ, रोते हैं बेचारे जोर से, बेटा भी रोता है, माँ भी रोती है, पिताजी भी रोते हैं, और बेटी हो तो और फूट फूट के रोते हैं। ये एक आंसू है। अब एक स्थिति यह है कि 10 साल के बाद वो लौट के आ रहा है, जब हाँ मेरी फ्लाइट सुबह 5 बजे आ जाएगी, आधी रात को जाकर बैठ जाते हैं लोग कहीं जल्दी आ जाए तो, और इतनी प्रतीक्षा हो रही होती है, आ जा जल्दी आ जा, आ क्यों नहीं रहा, इतनी देर क्यों कर रहा है, फोन मिला रहे, अरे कहाँ रह गया, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतना उतावलापन कि जैसे आएगा माँ सोचकर बैठती है इसके को ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी गले लगाऊंगी, और जैसे बच्चा सामने आया हाथ हिलाता है तो माँ जाकर दौड़ी दौड़ी उसको जाकर जो गले लगती है, फिर रोना निकल आता है। ये भी देखता हूं। अब ये वाला रोना और पहले वाला रोना एक बराबर है? एक बराबर है? माँ इसलिए रो रही है तू क्यों आ गया वही अच्छा था? नहीं, जो पहले वाला रोना वो दुख का है और दूसरे वाला जो रोना वो सुख का है। सुख में भी तो आंसू निकल आते हैं ना। किसी को बड़ी अच्छी एक सूचना मिल जाए, है ना, बैठे बैठे ही अजी आप यहां बैठे हो, वहां पर आपकी तो 100 करोड़ की लॉटरी निकल आई किसी वो प्लेयर को भी देखते हैं, किसी को अवार्ड मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, उसका नाम अनाउंस करते हैं, रोना निकल आता है सबके सामने, इतना सुख लगता है। इस प्रकार भक्त लोग भी आप देखते हो कि हनुमान जी राम राम करते हुए वो रोते हैं, साधु संत भी रोते हैं, तो आप सोचोगे हम भी संसार में रोते हैं, साधु संत भी रोते हैं, हनुमान जी भी रोते हैं, जरूर कोई दुख होगा। ये दुख का रोना नहीं है भैया, उस नाम में उस भक्ति में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, वो सुख के आंसू हैं। आप देखो किसी भजन में कभी कथा सुनकर आपका हृदय कभी पिघलता होगा, कभी आंसू आते होंगे, उस आंसू के बाद आपको सुख लगता कि नहीं लगता, होता कि नहीं, ये सुख है। इसलिए ये जो भगवान जी की सेवा कर रहे थे ना, भगवान जी के विरे में, बिछो में, वहां